फिटनेस पाना एक दो महीने का खेल नहीं होता, बल्कि सालों मेहनत करने के बाद ही इसे हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये लाइनें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि फिटनेस पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फिर वो चाहे नींद का हो या आपके फेवरेट जंक फूड का। आज के समय में कई लोग फिट होना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कई लोग ये कहना कहते हैं कि वे फिट तो होना चाहते हैं पर उस तरह की मोटिवेशन उनके पास नहीं है। ऐसे में वो अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू कर लेते हैं लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए खुद से अच्छा मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन कई यंगस्टर्स सेलिब्रिटीज़ की फिटनेस से मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं और उनकी जैसी फिजिक बनाने की चाह भी रखते हैं। तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड के फिटनेस और एक्टिंग के दम पर अलग मुकाम बनाने वाले एक्टर सोनू सूद से बात की गई। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के बाद बॉलीवुड में हाथ आजमाने वाले सोनू की लंबाई 6 फीट 2 इंच है और उनकी फिटनेस भी कमाल की है। जब उनसे फिटनेस सीक्रेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसका सीक्रेट कुछ नहीं है बल्कि मेहनत है। यदि कोई ईमानदारी से मेहनत करता है तो फिटनेस पाना मुश्किल नहीं होता। यदि आपने अपना गोल डिज़ाइन कर लिया है और आपके अंदर उसे पाने का डेडिकेशन है तो निश्चित ही आप फिटनेस पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही फिटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर था। फिटनेस मेरे जीवन का एक तरीका है, इसलिए फिटनेस मेरी हमेशा से एक प्राथमिकता रही है। वे कहते हैं कि शरीर की केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन कई बार लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि शरीर की देखभाल ज़रूरी है। जिस तरह खाना, सोना, काम करना लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा होता है, वैसे ही फिटनेस भी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। वे बताते हैं कि वे रेगुलर रूप से वर्कआउट करते हैं। जिस दिन जिम नहीं जाते हैं उस दिन घर पर वर्कआउट करते हैं। इसके लिए वो रनिंग, कार्डियो, वेटलिफ्टिंग और योगा भी करते हैं, साथ ही अन्य एक्टिविटी जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, जॉगिंग और साइकिलिंग भी करते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मौका मिलने पर वह फुटबॉल ज़रूर खेलते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार खेल उनके लिए होता है और फिट रहने का एक शानदार तरीका भी है। दोस्तों, वो बताते हैं कि जिम ना जाने पर इन चीज़ों से भी बॉडी को एक्टिव रखा जा सकता है। ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है, लेकिन आज के यंगस्टर्स सिर्फ जिम जाने और एब्स बनाने को ही फिटनेस मानने लगे हैं। यदि आपकी बॉडी हेल्दी है, कपड़ों की फिटिंग अच्छी आती है, हैवी काम करने में थकान नहीं होती तो भी आप फिट हैं। दोस्तों, सोनू सूद का मानना है कि रोज़ाना 1 घंटा शरीर को ज़रूर देना चाहिए, ये चाहे जिम में हो या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ से हो। कुछ भी समय आप इस बॉडी को ज़रूर दीजिए ताकि आप फिट रहेंगे। आगे सोनू सूद अपनी डाइट की बात करते हैं। वे बताते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा हर मील अलग होता है क्योंकि मैं 5 से 6 मील लेता हूँ जिसमें 3 हैवी मील होते हैं। मैं फल और मखाने हमेशा अपने पास रखता हूँ। मुझे प्रोटीन फूड बहुत पसंद है, इसलिए मेरी डाइट में अधिकतर फूड प्रोटीन वाले ही होते हैं। मैं काफ़ी फूडी हूँ, इसलिए हर तरह का खाना खाना पसंद करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो घर में ही बना हुआ होना चाहिए। यदि कभी ऑयली या फ्राइड फूड खाता हूँ तो उसे एक्स्ट्रा वर्कआउट करके बैलेंस भी कर लेता हूँ। वे आगे कहते हैं कि बाहर जाने पर खाने पर कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन जब भी घर पर होता हूँ तो डाइट ब्रेक ज़रूर करता हूँ। मैं ऑयली फूड और तेज़ मसालों से परहेज़ करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पंजाबी हूँ, हमारे यहाँ सब कुछ तड़का लगा कर खाते हैं तो इसलिए कई बार कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार मैं ऑयली फूड भी खा लेता हूँ लेकिन इसे अपनी आदत नहीं बनाता। दोस्तों, इसके अलावा सोनू सूद कुछ टिप्स देते हैं जिनको फॉलो कर आप भी हेल्दी रह सकते हैं। तो कहते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से फिट रह सकते हैं। हमेशा बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें सब्जियां, होल ग्रेन्स, फल, ड्राई फ्रूट शामिल ज़रूर हों। जंक फूड और फ्राइड फूड से दूर रहें। महीने में 1-2 दिन टेस्ट के लिए कुछ मात्रा में खा सकते हैं। किसी से मोटिवेट होने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने आप को खुद मोटिवेट करें। फिटनेस पाने में मेहनत लगती है, इसके लिए धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये थी सोनू सूद के मुंह से कही खुद उनकी फिटनेस को लेकर उनकी कई सारी बातें और कैसे उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया और क्या क्या वो टिप्स फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं और फिट बन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।